सब्सक्राइब कीजिए NH खान एक्सपेरिमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये जो गाड़ी आप देख रहे हो इसका चाबी ऑन है लेकिन थ्रॉटल को दबाने से गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहे, तो इसमें क्या चीज़ का फॉल्ट है वही इस वीडियो में आप लोगों को दिखेगा। ये मेरे शॉप से बहुत दूर है, इसके वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा रिपेयरिंग के लिए। तो ये किस किस कारण होता है वो आप लोगों को इस वीडियो में दिख जाएगा, तो वीडियो में पूरा बने रहिए। अगर थोड़ा सा देख के चला जाओगे तो आप लोग समझ में नहीं आएगा और बाद में फिर पूछते रहोगे। तो इधर देखिए चाबी ऑन है और जब भी रिवर्स वाला स्विच को दबा रहा हूँ तो पीछे बैक का जो हॉर्न है वो भी बज रहा है और सामने लाइट भी जल रहा है। तो इसका 12 वोल्ट का कनेक्शन सब कुछ सही है, सिर्फ इसका गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो वो किसके वजह से नहीं बढ़ रहा है चलिए वही आज चेक करके देखेंगे। तो चलिए हम डिवाइस को लेके आए, आप सबसे पहले इसका जो थ्रॉटल है उसको चेक करेंगे, उससे भी पहले हम कंट्रोलर से थ्रॉटल का 5 वोल्ट निकाल रहा है क्या वो देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कंट्रोलर का जो थ्रॉटल वाला वायर है उसको लगाते ही देखिए यहाँ पे लाइट जल रहा है, जो ऑन ऑफ वाला स्विच है वहाँ पे आराम से लाइट चला आया। इसका मतलब है कि यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है, कंट्रोलर से 5 वोल्ट आ रहा है। अब हमको थ्रॉटल को चेक करके देखना है, तो थ्रॉटल तो सामने है और यहाँ पे देखिए मैं डिवाइस का जो पिन लगा हुआ है उसको थ्रॉटल के प्लग से लगा लिया और देखिए सामने थ्रॉटल को दबाते हैं यहाँ पे ए लिखा हुआ है वो वाला LED जल रहा है। इसका मतलब है कि इसका थ्रॉटल भी बिल्कुल ओके है। अब इसका देखेंगे एक बार सेंसर को कि इसका सेंसर सही है कि ख़राब है। तो देखिए सेंसर का जो कपलर है इसमें थोड़ा ग्लू स्टिक लगा हुआ है, तो इसको हमको पहले रिमूव करना है, उसके बाद सेंसर का जो पिन है उसको हम इस डिवाइस के साथ कनेक्शन करेंगे। तो इसको उठाने के लिए देखिए यहाँ पे सोल्डिंग आयरन है उसको गर्म कर लिया मैं और उसका निकाल दिया। तो देखिए अब मैं सेंसर के कपलर को भी लगा दिया डिवाइस के साथ, तो देखिए आराम से अभी सेंसर भी यहाँ पे सही दिखा रहा है। सेंसर देखिए जल रहा है बुझ रहा है चक्का को घुमाते ही, इसका मतलब है कि इसका सेंसर भी सही है। तो और क्या फॉल्ट है वो इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे, तो पूरा वीडियो में बने रहिए आप लोग। अभी तक तो आपका सेंसर भी यहाँ पे सही दिखाया, थ्रॉटल भी सही दिखाया और कंट्रोलर से भी 5 वोल्ट निकाल रहा था। तो चलिए अब हमको मोटर को भी एक बार चेक कर लेना है, मोटर का जो कॉइन है वो भी सही है क्या देख लेता हूँ। तो इसके लिए हम देखिए रेड वाला जो चिमटा लगा हुआ है इसको मोटर के वायर के साथ कनेक्ट करना है। तो इसको कनेक्ट करने के बाद हमको चक्का को घुमाना है, तो देखिए इस तरह से चक्का को जब भी घुमाएंगे तो जो 3M लिखा हुआ है वो वाला LED के सीधे सीधे 3 LED जलेगा, देखिए यहाँ पे जल रहा है तीनों ही। तो इसका मतलब है कि इसका कॉइन भी सही है। तो अब बचा है इसका कंट्रोलर, तो कंट्रोलर को भी एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आराम से ये भी लाइट जल रहा है पूरा। तो इसका जो मोटर का कॉइन है वो भी सही है। अब इसका कंट्रोलर को चेक करेंगे, इसके लिए देखिए ये वाला 2 प्लग लगा हुआ है इसमें और ये जो ब्लैक वाला चिमटा लगा हुआ है इसको हमको कनेक्ट करना है कंट्रोलर के साथ। तो देखिए सबसे पहले हम ये वाले प्लग को लगा लेंगे कंट्रोलर के साथ, कंट्रोलर का जो सेंसर वाला वायर है उसके साथ इसको कनेक्ट कर लिए और यहाँ पे हमको सेंसर के साथ कनेक्ट करना है, मोटर का जो सेंसर वाला वायर है उसके साथ इसको कनेक्ट करना है। तो चलिए सेंसर में कपलर नहीं है इसके वजह से पिन को मैं डायरेक्ट इसी तरह लगा रहा हूँ इसमें, सिर्फ आपको ब्लैक को ब्लैक में और रेड को रेड में लगाना है, बाकी उसके बाद आप कहीं पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा अगर आप कहीं पे लगा देते हो तो। कलर टू कलर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ब्लैक को ब्लैक और रेड को रेड के साथ लगाना है। बाकी देखिए यहाँ पे काला जो चिमटा है इसको हमको कंट्रोलर का मोटा वाला जो 3 वायर है येलो ब्लू एंड ग्रीन वो तीनों के साथ कनेक्ट करना है। तो चलिए इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो देखिए ये तीनों चिमटा को भी हम कनेक्ट कर लिए, अब चाबी को ऑन करके थ्रॉटल को घुमा रहे हैं। तो देखिए इधर क्या हो रहा है, अब ये चक्का को भी घुमाना है। तो देखिए इधर 5 वोल्ट आ गया, ठीक है, और देखिए चक्का को जब भी घुमा रहा हूँ तो देखिए ये 6 LED जल रहा है बुझ रहा है, इस तरह का हो रहा है। तो ये बिल्कुल इसका कंट्रोलर भी सही है, अगर इस तरह का होता है तो इसका कंट्रोलर भी सही है, लेकिन देखिए अभी जलते जलते बंद हो गया, ये जो 6 LED जल रहा था जलते जलते बंद हो गया। तो चक्का को घुमाते और थ्रॉटल को दबाते बंद नहीं होना चाहिए था, तो देखिए अभी फिर जल रहा है,
ठीक है। तो आप ये देखिए फिर से चक्का को घुमाते ही पूरा जल रहा है, और चक्का को अगर नहीं घुमाएंगे तो एक एक करके इस तरह से जलेगा। जब भी चक्का को थोड़ा सा घुमाएंगे तो देखिए चक्का को घुमाते ही अभी पूरा जल रहा है, और पूरा जलते ही फिर देखिए बंद हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात देखने वाला है, देखिए आप थोड़ा एलईडी के तरफ गौर से देखिए तो पता चलेगा, यहाँ पे जब भी थोटल को घुमा रहे चक्का हालांकि घुमा रहे लेकिन थोटल को जब भी घुमा रहे और छोड़ रहा है तो देखिए यहाँ पे एलईडी जल के बंद हो जा रहा है। लेकिन जिस तरह से चक्का घुमाने पे 6 LED ब्लिंक करता है उस तरह का ब्लिंक नहीं हो रहा है। इसका मतलब है सेंसर जो कंट्रोलर का सिग्नल देता है वो सिग्नल नहीं आ रहा है कंट्रोलर में, इसके वजह से इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम सेंसर को और एक बार चेक करके देखेंगे। तो देखिए सेंसर के कपलर को हमने डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लिया, अब चक्का को घुमा के भी देखते हैं। तो देखिए डिवाइस को ऑन कर दिया, अब चक्का को घुमा के भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए इधर चक्का को घुमा रहे, लेकिन अभी देख लीजिए आप, पहले दिखा रहा था सेंसर बिल्कुल ओके है, लेकिन अभी दिखा रहा है कि सेंसर आपका वोल्टेज ही नहीं दे रहे डिवाइस में, तो सेंसर अभी ख़राब दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमको अभी पक्का पता चल गया कि इसका सेंसर में कुछ गड़बड़ी है। तो हम उस मोटर को खोलने से पहले एक बाहर से ही दूसरा एक मोटर ला के चेक कर लेंगे कि ये पोपर चलता है क्या। अगर चलता है तो हम मोटर को खोल के उसका सेंसर को चेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ से एक दूसरा मोटर लगाया हमारा जो टेस्टिंग मोटर है उसको, तो देखिए ये आराम से चल रहा है। तो ये तो पता चल गया कि उसका जो सेंसर है उसका ही प्रॉब्लम है, और डिवाइस में भी सही से बता दिया कि उसका सेंसर का ही प्रॉब्लम है। अब हम इस मोटर को खोल के इसका सेंसर को चेंज करके दूसरा सेंसर लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मोटर को खोल लेते हैं हम, खोलने के बाद इसका सेंसर को निकालेंगे। तो देखिए मोटर को भी खोल लिया हम, तो ये वाला सेंसर को हमको अभी चेंज कर देना है। इसको चेंज करके एक दूसरा सेंसर लगाना है। बहुत सारे भाई लोग सेंसर चेंज करने के टाइम थोड़ा गलती कर देते हैं कि ये जहाँ पे वायर कलर टू कलर लगा हुआ है उसकी जगह दूसरे कलर में लगा देता है, फिर कनेक्शन करने में दिक्कत आ जाता है। तो इस वीडियो में आप किस तरह से आराम से कर सकते हो वो भी दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लाइन था, तो लाइन अभी चला गया, बिजली कट हो गया, इसके वजह से हम देखिए DC जो सोल्डिंग आयरन है उसको यूज़ करेंगे। इसी बैटरी 12 वोल्ट से हम इस DC सोल्डिंग आयरन से इसको सोल्डिंग करेंगे, जो हमारा जो सेंसर है इसको। ये मैं जब भी बाहर काम पे जाता हूँ तो उस टाइम लेके जाना पड़ता है, ताकि हर जगह बिजली नहीं रहता है इसके वजह से, क्योंकि कभी अगर रास्ते पे गाड़ी ख़राब हो जाए वहाँ पे तो बिजली नहीं रहेगा। इसके वजह से हमको ये DC 12 वोल्ट का जो सोल्डिंग है आयरन है इसको लेके जाना पड़ता है, ताकि बैटरी से ही हम सोल्डिंग करके लगा सके कोई भी चीज़। तो यहाँ पे भी हम देखिए इसी सोल्डिंग आयरन का ही यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे लाइन था लेकिन लाइन चला गया है। तो देखिए आपको मैं बोला था कि सेंसर को किस तरह से लगाना है। आप देखिए जो नया सेंसर है उसको पुराने वाले एक एक करके खोलोगे, और उसी जगह सेम टू सेम आप नया में अगर लगा दोगे, मैं आज इस तरह से लगा रहा हूँ, देखिए ये आप लोगों को दिखाने के लिए खाली, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा और कोई भी वायर आपको दूसरी जगह लगने का चांस नहीं रहेगा। अगर आप एक साथ पूरा खोल लोगे फिर आप लगाओगे, अगर ध्यान नहीं दोगे तो दूसरी जगह लग जाएगा, फिर आपको कनेक्शन फिर घुमा के चेंज करके देखना होगा। और अगर आप पुराने से एक एक करके खोलोगे और उसी तरह आप नया में भी सेम टू सेम लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा कनेक्शन में आपका। तो देखिए यहाँ पे DC सोल्डिंग आयरन से हम इसको सोल्डिंग कर लिए। तो अब इस सेंसर को एक बार टेस्टिंग करके देख लेते हैं इस डिवाइस के साथ। तो देखिए अभी आप डिवाइस की तरफ देखिए, जो सेंसर वाला तीनों LED आराम से ब्लिंक कर रहे हैं, जब भी हम मैग्नेट को घुमा रहे हैं तो ये तीनों LED ब्लिंक कर रहा है अभी। तो अभी सेंसर बिल्कुल ओके दिखा रहा है। तो आप इसको फिटिंग करेंगे। आप लोग भी अगर बाहर कहीं पे काम पे जाते हो वहाँ पे बिजली नहीं रहता है तो इस तरह का एक DC सोल्डिंग आयरन अपने साथ रख सकते हो, ताकि रास्ते में कहीं पे अगर आपका काम आ जाए, कहीं पे गाड़ी फंस जाए तो वहाँ पे अगर जाते हो तो वहाँ पे बैटरी का कनेक्शन बोले तो वोल्टेज लेके ही आप आराम से सोल्डिंग कर सकते हो। तो देखिए अभी आराम से मोटर घूम रहा है, तो इसको आप फिटिंग कर देंगे। एक बार मैं टेस्टिंग कर लिया इसको कनेक्शन करने के बाद, अब इसको गाड़ी में फिटिंग करेंगे, फिर चला के भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो इस तरह का छोटी सी प्रॉब्लम में भी बहुत सारे बार कंफ्यूज हो जाता है, जैसे कि देखिए इसमें पहली बार सेंसर जब चेक किए उस टाइम बराबर दिखा रहा था, लेकिन जब भी ये कंट्रोलर के साथ और डिवाइस के साथ कनेक्ट हुआ, जब भी लोड पर आया तो इसका सेंसर ख़राब दिखाया। तो चलिए देखिए अब आराम से चल रहा है ये गाड़ी। तो मेरी चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटी का बटन उसको दबा कर ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।
और आप लोगों का अगर ई रिक्शा कंट्रोलर टेस्टर डिवाइस ड्रम पुलर एक्सेल पुलर बियरिंग पुलर मैग्नेट पुलर ये सब चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हो। ऑल ओवर इंडिया में हर जगह में इसको भेज सकता हूँ। इसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो या तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप कांटेक्ट करके ये सब सामान परचेस कर सकते हो। ऑल इंडिया में कहीं पे भी हो वहाँ पे मैं इसको पहुँचा सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉच।